नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। सीएम भूपेश बघेल ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को किया नमन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन करते हुए कहा कि झांसी की रानी ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। वे सच्चे अर्थों में वीरांगना थी। ऐसे चरित्र अनुकरणीय होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई शौर्य और नारी शक्ति का प्रतिमान है। उनका व्यक्तित्व केवल महिलाओं के लिए ही नहीं पूरे समाज तथा देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। फर्जी बिल लगाकर लाखों का फर्जीवाड़ा, 5 ड्राइवर गिरफ्तार। राजधानी रायपुर पुलिस लाइन में पेट्रोल का फर्जी बिल लगाकर लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें पुलिस ने एक निजी ट्रेवलर्स के 5 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। दानी गर्ल्स स्कूल होगा हाईटेक। महापौर एजाज ढेबर की पहल पर रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर अंचल की बेटियों की शिक्षा के लिए ख्यातिबद्ध राजधानी के जेआर दानी स्कूल का कायाकल्प कर रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी के प्रबंध संचालक सौरभ कुमार के अनुसार इस स्कूल के नए कलेवर में आने के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेलकूद से जुड़ी सुविधाओं के हाईटेक होने से छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इंडोर स्टेडियम में 200 बिस्तरों का आइसोलेशन सेंटर तैयार। रखे जाएंगे बिना लक्षण वाले मरीज। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग नए जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए सुविधाओं में विस्तार करते हुए राजधानी के इंडोर स्टेडियम में 200 बिस्तर का आइसोलेशन हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जहां असिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। नक्सल इलाकों में अभियान की समीक्षा करेंगे गृहमंत्री। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। गृहमंत्री नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ नक्सल इलाकों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में पुलिस जवानों द्वारा खुदकुशी करने की घटना को रोकने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 12,881 केस, 334 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 12,881 केस मिले हैं। इसके साथ ही देश में अब कुल 3,66,946 केस हो गए हैं। कल 334 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की कुल संख्या 12,237 हो गई है। इस दौरान देश में 7,390 लोग रिकवर हुए और अब तक कुल 1,94,325 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। देश में अब 1,60,384 एक्टिव केस हैं। पीएम मोदी बोले, लॉकडाउन की अफवाहों को छोड़ अनलॉक के दूसरे चरण की तैयारी करे राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के साथ साफ किया है, देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और सभी राज्य अनलॉक 2 की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज करें। गलवान घाटी में हिंसा के बाद माहौल शांत करने की कोशिश। भारत और चीन के बीच आज फिर होगी चर्चा। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। 20 जवानों की शहादत के बाद भी भारतीय सेना डटी हुई है और चीन को पीछे भेजना चाहती है। इस बीच अब गुरुवार को एक बार फिर दोनों देशों की सेनाएं बातचीत के लिए टेबल पर बैठेंगी। T20 वर्ल्ड कप मुद्दे पर जानबूझकर टांग अड़ारे शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से नाराज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने निवर्तमान चेयरमैन शशांक मनोहर पर जानबूझकर T20 वर्ल्ड कप के मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाने का आरोप लगाया है। शशांक के गुनाहगारों पर एक्शन की मांग। चिराग पासवान बोले, बिहार CM हस्तक्षेप करे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। पुलिस जांच में अभी भी किसी वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कई लोग सुशांत के सुसाइड को साजिश करार दे रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स पर आरोप लग रहे हैं। सुशांत को न्याय देने की मांग सोशल मीडिया पर जोर शोर से उठ रही है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुशांत के सुसाइड केस में हस्तक्षेप करने की अपील की है। चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार से बात करें। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।